करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो सजीव मुखिया नीतीश मिश्रा नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया, जांच कराया जाए। नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस सजीव मुखिया का, वो आपको बताना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने नीट पेपर लीक मामले में एक बार फिर से अमित आनंद की बात कही है, नीतीश कुमार की बात कही है, कहा है कि एजेंसियां जो हैं वो ठीक से जांच करें, निष्पक्ष होकर जांच करें, क्योंकि हमारे पास तमाम सबूत है किन किन नेताओं के साथ उनमें कौन से तस्वीर है, सब कुछ हमारे पास है। देखिए तेजस्वी यादव क्या कुछ बोल रहे हैं। देखिएगा, लगातार जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य पेपर लीक होता रहा है, हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा, जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया, और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है, बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है, संजीव मुखिया करके है, अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया नीतीश मिश्रा नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया, जांच कराया जाए। नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियां जो है निष्पक्षता से जांच करें, और बाद में ये सब चीज़ छुपने वाला थोड़ी है। जो बेईमानी किया है, जिसने छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको तो हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी, हम लोग एकदम पर्दाफाश कर आ जाएंगे। भले ही सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी मंशा है कि इधर उधर कर दिया जाए, मामले को ध्यान भटका दिया जाए, लेकिन जो पेपर लीक करने वाला वो बचेगा नहीं। दूसरी तरफ आप लोग भारत सरकार का पूछ रहे हैं कि हल्ला बिल ला रहे हैं पेपर लीक रोकने, एंटी पेपर लीक है ना, लॉ ला रहे हैं, हाँ वो लीक ना हो उसके लिए लॉ ला रहे हैं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि लीक हुआ, इनके लिए कौन सा लॉ लाया जाए ये बताना पड़ेगा ना। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी वरिष्ठ नेता है, भाजपा के बड़े अनुभवी मंत्री हैं, वो तो मानते ही नहीं थे कि भाई पेपर लीक हुआ। जो नहीं मानने वाला उसके लिए भी लॉ ले आया जाए। लगातार पुल गिर रहा है, लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई हो, कौन पकड़ा जाए। आपने सुना पेपर लीक से बचने के लिए लॉ लाने की बात जो कही जा रही थी, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा जो लोग मानते ही नहीं थे कि पेपर लीक हुआ है उनके लिए कौन सा लॉ लाया जाए। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार कहीं भी कार्रवाई नहीं कर रही है, चाहे वो ट्रेन हादसा हो, चाहे वो पुल गिरा हो, चाहे आज का जो सिवान का पुल गिरा हो, तमाम चीज़ों पर सरकार बिल्कुल मौन है, कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, किसी को नहीं पकड़ा जा रहा है। तेजस्वी यादव गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि अमित आनंद और नीतीश कुमार का साथ किसके किसके साथ है, सभी की तस्वीर हमारे पास है, अगर जरूरत पड़ी तो हम सभी को सार्वजनिक करेंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप, बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।